एक संस्कार ऐसे हैं मैं कहे बगैर नहीं रहूंगा, कहे बगैर नहीं रहूंगा। एक संस्कार ऐसे हैं कि हर बहन बेटी को गाली दो, हर व्यक्ति को गाली दो, हर के लिए चाहे जैसे बहलो। अरे आप अपनी पार्टी के सुप्रीमो हो, अपनी पार्टी में कुछ भी करो, अपनी पार्टी की रीति नीति को आगे बढ़ाओ, मर्जी है जिसको टिकटें दो, लेकिन हमारी बहन बेटियों को गाली बर्दाश्त नहीं होगी, बर्दाश्त नहीं होगी, बर्दाश्त नहीं होगी। आपका खून खोलना चाहिए, आप वोट दो मत दो, जिसको मर्जी है जिसको वोट दो। कल हम घर घर जाके गांव गांव ये सारा मंच बैठा है, बेनीवाल साहब से जब इंडिया गठबंधन में समझौता हो गया तो हमने उनके लिए घर घर वोट मांगने का काम किया। कोई एक व्यक्ति कह दे कि कांग्रेस के व्यक्ति ने वोट नहीं दिया। एक तेजपाल मिर्धा के लिए इन्होंने शिकायत की, ये जिला अध्यक्ष जी बैठे, इन्होंने लेटर लिखा कि ये इंडिया गठबंधन के साथ में काम ठीक नहीं कर रहा है। हमने एक सेकंड में उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। दिखाया कि नहीं दिखाया आप बताओ? हमारी ईमानदारी पे शक करते हो और खुद ही कहते हो कि मैं समझौता नहीं करूंगा, मेरा राजस्थान में समझौता नहीं है। और जब हमने टिकट डिक्लेयर कर दी तो कि मेरा समझौता तोड़ दिया। अरे भाई ये कौन सी क्लास में कहां पढ़े, कौन सी विद्यालय में पढ़े, कौन सी कॉलेज में पढ़े? आपने स्वयं ने कहा था हम गठबंधन को आज भी मानते हैं, 5 साल मानते रहेंगे। हमारे इंडिया गठबंधन के बहुत ही रिस्पेक्टेड सांसद है हनुमान बेनीवाल जी, लेकिन राजस्थान में कांग्रेस को गिरवी नहीं रखेंगे। कांग्रेस का कार्यकर्ता जिंदा रहना चाहिए, कांग्रेस के कार्यकर्ता का सम्मान रहना चाहिए। जब वो 6 महीने तक ये कहते रहे कि मैं कोई समझौता नहीं करूंगा, मैं 4 लूंगा, मैं 2 लूंगा, मैं 1.5 लूंगा, मैं 2.5 लूंगा, तो मैं क्यों भाई जी एक ही गोनी मिल रहा है, सीधा चुनाव लड़ो, सीधा चुनाव लड़ो। जनता आपको जिताती है बहुत अच्छी बात है, जनता आपको घर बैठाती है बहुत अच्छी बात है। हमने कभी गठबंधन नहीं तोड़ा। और मैं एक बात और कह देना चाहता हूं, इस मंच से स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारा पंचायती राज नगर निकाय कोई समझौता कोई गठबंधन नहीं है। कांग्रेस के लोग चुनाव लड़ेंगे। ये हरेंद्र मिर्धा जी बैठे, ये जिला अध्यक्ष जी बैठे, ये डॉक्टर रतन चौधरी जी बैठी, जो ये इशारा करेंगे कि ये हमारा कांग्रेस का उम्मीदवार प्रधान का होगा, जिला प्रमुख का होगा, ये हमारा पार्षद का होगा, हम उसको टिकट दे करके आगे करने का काम करेंगे। हम आउटसोर्स नहीं करते पार्टी को, हम पार्टी को आउटसोर्स नहीं करते, हम सम्मान करते हैं। आज भी इंडिया गठबंधन की जब बात आएगी तो हनुमान बेनीवाल के साथ कंधे से कंधे मिला करके पूरी कांग्रेस पार्टी पूरे लोकसभा के अंदर उनके साथ में पहले भी खड़ी थी, आज भी खड़ी रहेगी। लेकिन पार्टी के कार्यकर्ताओं को मरने नहीं देंगे, उनको जलील नहीं होने देंगे, उनके लिए सम्मान की लड़ाई लड़ेंगे आखिरी बूंद तक। और भाई साहब है चाले जी, हाँ चावे जी हैं, हाँ कोई बात हुई, आपका दल है, आप अपनी टिकटें तय कीजिए। किया था विधानसभा में इन्होंने जो मर्जी आई जिसको टिकट दी, किसी ने ऐतराज किया गया? मेरे यहां भी टिकट दी थी, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। मैंने कभी नहीं कहा कि टिकट क्यों दी, वो एक अलग बात है कि नोटों के आए 1552 और RLP के कैंडिडेट के आए 1551, ये रिकॉर्ड की बात है, पूछ लेना उनको, पूछ लेना। और अगर मेरी बात में फर्क मिल जाए, नोटों से एक वोट कम नहीं निकले, तो मुझे कह देना गोविंद डोटासरा कान पकड़ ले, मैं कान पकड़ लूं। आज भी वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, आपको कहते हैं कि मैं संघर्ष कर रहा हूं आपके लिए, पहले किया होगा मैं उस पर नहीं जाना चाहता। इस उपचुनाव में हनुमान बेनीवाल जी अपने परिवार के लिए संघर्ष कर रहे हैं, आपके लिए संघर्ष नहीं कर रहे हैं, खींवसर के लिए संघर्ष नहीं कर रहे हैं, ये बात मैं कहना चाहता हूं। इसलिए हमारे लिए तो दोनों बराबर है, हमारा तो कैंडिडेट डॉक्टर रतन चौधरी, कांग्रेस का हाथ का निशान उसके ऊपर, वोट दीजिए, मदद कीजिए, मेहरबानी कीजिए। जब कभी भी आपको कांग्रेस के किसी नेता की, गोविंद डोटासरा की, अशोक गहलोत जी की, सचिन पायलट जी की, CP जोशी जी की, किसी की भी अगर आवश्यकता पड़े तो हम रात को याद कर लेना, हम आपकी सेवा के लिए, आपकी मदद के लिए, आपकी पीड़ा में खड़ा मिलेंगे।
लेकिन एक बात इस खींवसर से जरूर कह के जा रहा हूं, हनुमान बेनीवाल जी आप दो बार सांसद हैं, दूसरी बार के सांसद हैं, आप हमसे ज्यादा बार एमएलए भी बने हैं, आप निर्दलीय भी बने हैं, आज बीजेपी से समझौता करके भी बने हैं, बीजेपी से इंडिपेंडेंट भी बने हैं, आज हमारे सहयोग से हमारे साथ मिलकर के आप एमपी बने हैं। आप अपनी भाषा को मर्यादित रखें, संस्कारित रखें, आपका अधिकार है, आप लड़िए, जीतिए अगर आपको जनता जिता दी है तो। लेकिन हमारे किसी भी मेंबर के लिए, किसी भी कार्यकर्ता के लिए, किसी भी नेता के लिए अपनी छोटी राजनीतिक स्वार्थ के लिए कम से कम अपशब्द मत बोलिए। आप बेशक कांग्रेस को गाली दीजिए, बेशक बीजेपी को कोसिए, आप लोगों को पटाइए, मनाइए, पुचकारिए, प्रेम से लीजिए, लेकिन ये धमकाने वाली भाषा है ना, इसको मेहरबानी करके आप नहीं रखें तो खींवसर का भी भला होगा, प्रदेश में एक अच्छा मैसेज आएगा। मैं पूछना चाहता हूं उनसे, बलदेव राम मिर्धा जी, राम निवास मिर्धा जी, नाथुराम मिर्धा जी, वसुंधरा राजे जी, ज्योति मिर्धा जी, रिछपाल मिर्धा जी, परशुराम मदेरणा जी, महिपाल मदेरणा जी, दिव्या मदेरणा जी, हरीश चौधरी जी, महेंद्र चौधरी जी, राजा राम मील साहब, गोविंद डोटासरा, नारायण सिंह जी, अशोक गहलोत, सचिन पायलट, उमेदाराम बेनीवाल और नारायण बेनीवाल, रेवंत राम डांगा, रामेश्वर डूडी, सारे बेकार हो गए आपके लिए, ये कहां से लाए भाई आप? अरे कोई तो भला होगा, ऐसा नहीं होता कि मैं ये कहूं मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं, मैं ये कर दिया, मैंने 11 सीटें ले ली, नहीं, मैं नेता हूं तो मैं लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र के आदरणीय मतदाताओं के आशीर्वाद से चौथी बार एमएलए हूं, और मेरी पार्टी की मेहरबानी, मेरी पार्टी आलाकमान की मेहरबानी के कारण से आज प्रदेश अध्यक्ष हूं, मैं किसी दूसरे की मेहरबानी से नहीं हूं। इसलिए मुझे अपनी भाषा में संयम रखना चाहिए, मुझे वही बात करनी चाहिए जो जनता के बीच में करनी चाहिए। सबको गाली दे करके आप ताली बजवा सकते हो, चंद मिनट के लिए आप तालियां वाई वाई बटोर सकते हो, लेकिन यह हमारा संस्कार, हमारी संस्कृति नहीं है। मुझे बेहद अफसोस हुआ जब वो दिव्या मदेरणा जी के लिए पता नहीं क्या क्या अनर्गल बातें कह रहे थे और कुछ पांच चार युवा लोग तालियां बजा रहे थे, मुझे खुद से शर्म आ गई, मैं नीचे जमीन में देखने लग गया कि ऐसी भाषा का प्रयोग एक सम्मानित सांसद को नहीं करना चाहिए। मैं आपसे पुनः अपील करना चाहता हूं, आप अपनी पार्टी को आगे बढ़ाइए, जिस किसी के खिलाफ खड़ा करना चाहे खड़ा कीजिए, जीतने का पूरा प्रयास कीजिए, इन लोगों का दिल जीतिए, खींवसर को आपको मौका मिला, नागौर जिले को आगे बढ़ाइए, हम सब साथ मिलकर के लोकसभा में आपके साथ खड़े मिलेंगे। लेकिन हमारे किसी नेता और कार्यकर्ता के खिलाफ आपको नहीं बोलना चाहिए, मैं तो अपील कर सकता हूं, बाकी आपकी बात है, आप जाने, आप अच्छे लगते हो अगर इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हुए, तो मुझे कुछ नहीं कहना। मैं तो इतना कहता हूं कि मेरे खिलाफ जो कुछ भी किया होगा, आज कहा, आगे कहेंगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं मेरी जबान से कभी किसी भी 36 कौम के किसी नेता के लिए गलत नहीं बोलूंगा, और जिस दिन मैं गलत बोल जाऊं मैं राजनीति छोड़ दूंगा, लेकिन मैं कभी किसी के लिए अपमानजनक बात नहीं करूंगा, यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।